फिर से झीरम कांड पर सियासत गर्मा गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने झीरम जांच आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कही है। वहीं इस मामले पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया। भूपेश बघेल ने कहा है कि झीरम कांड का सच सामने आना चाहिए, लेकिन उसे सामने आने नहीं दिया जा रहा है। एक बार फिर से झीरम कांड पर सियासत तेज है और ऐसे में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर रमन सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी छत्तीसगढ़ के रह चुके हैं, उन्होंने झीरम जांच आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कही है। तो इस पर भूपेश बघेल का भी बयान आया और कहा कि झीरम कांड का जो सच है वो सामने नहीं आने दिया जा रहा। विधानसभा में जिस दिन आएगा, विधानसभा की प्रक्रिया होगी, उस दिन वो लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। विधानसभा में जिस दिन आएगा, विधानसभा की प्रक्रिया होगी, उस दिन वो लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगा। मतलब वो जो रिपोर्ट है उसमें कोई सच्चाई होगी या सच्चाई को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और जब उसके बाद जब मैंने 2 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया, तब कैसे रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे? आज तक राज्य सरकार को प्रस्तुत किया नहीं आयोग ने, वो प्रस्तुत कर। और अब खबर जशपुर से है, जहां जन आक्रोश महारैली को लेकर उरांव समाज में 2 फोड़ हो गया है। दरअसल दीपू बगीचा स्थित पूजा स्थल में कथित तालाबंदी की झूठी खबर प्रचारित कर जन आक्रोश महारैली का आयोजन कर रही है। समाज का एक वर्ग पूजा स्थल में प्रशासन द्वारा सील लगाने की बात कहकर विशाल रैली का आयोजन कर रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होने की बात कही जा रही है। उस रैली को लेकर समाज के दूसरे पक्ष ने समाज के लोगों से रैली में शामिल नहीं होने की अपील की है। विधायक रायमुनि भगत ने समाज के लोगों से इस रैली में शामिल नहीं होने की अपील की। विधायक का कहना है कि सरना पूजा स्थल को सील नहीं किया गया है। रोज भाई थोड़ा सा 1 मिनट आप साइड हो जाओ। स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो अवैध तरीका से छात्रावास चल रहा था, उस छात्रावास को निरीक्षण के दौरान बंद किया गया और राजी पढ़ा भारत के द्वारा जनाक्रोश रैली के माध्यम से लोगों को भड़काया जा रहा है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हमारा पूजा स्थल दीपू बगीचा को स्थानीय प्रशासन के द्वारा सील किया गया। राजी पढ़ा के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर गेट में, मुख्य गेट में जो पूजा स्थल है, सरना स्थल है डिपो बगीचा में, वहाँ प्रशासन के द्वारा सील लगा दिया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। कल का जो माननीय विधायक महोदय का जो स्टेटमेंट आने के बाद, उसका खंडन के लिए जो है हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनके द्वारा जो कहा गया कि 3 तारीख को जो जन आक्रोश आंदोलन जो पढ़ा राजीव पढ़ा के द्वारा किया जा रहा है वह भ्रामक है, ऐसा कहा है, उसका हम लोग खंडन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो ताला लगा है, ये 10 अगस्त के कार्यवाही हुआ है, उसके बाद से ये ताला लगा है। उसके संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें ये जानकारी आ रही है सामने की दीपू बगीचा स्थल को प्रशासन के द्वारा सील कर दिया गया है, परंतु मैं इस चीज़ में स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दीपू विजयपुर और बुधनी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन इतना तय हो जा रहा है कि यहां सीआरजी जंग रोचक होने वाली है। बिल्कुल, और अमरवाड़ा में कुछ अंतर से चूक गई कांग्रेस, विजयपुर में प्रोएक्टिव है। इन दोनों सीट पर बूथ मैनेजमेंट के लिए कांग्रेस 30-30 विधायकों की टोली बनाने जा रही है। पार्टी सूत्र के मुताबिक प्रत्याशी चयन को लेकर भी कांग्रेस सुपिक्षित नेताओं के संपर्क में है। कांग्रेस से पाला बदलकर बीजेपी में रामनिवास रावत ही यहां से बीजेपी कैंडिडेट होंगे, ये तय है। देखते हुए कांग्रेस बीजेपी के ही किसी ऐसे नेता को मैदान में उतार सकती है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। नमस्कार।